शाम या बादिर या हमारा कितना अजीम शान है, शाम या बादिर या हमारा कितना अजीम शान है। तुम्हें सलाम, क्योंकि महबूब वो जन्नती जन्नत की नेमतें खाएगा, जन्नत की नेमतों में रहेगा। कैसी नेमतें? अल्लाह पाक फरमाता है अला सुरुरिन मौदूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन। उनको बड़े मुजयन मुरस्सा तख्त मिलेंगे, उन तख्तों पर वो बैठेंगे जन्नती लोग, और आपस में दूसरे के आमने सामने तकिए लगाए हुए बहुत शानदार तरीके से जन्नती जन्नत में रहेंगे। वहां किसी को कोई हसद नहीं होगा, जलन नहीं होगी, कीना नहीं होगा, ये सब दुनिया के काम है जो नाजायज है। वहां तो एक से एक बढ़कर जन्नतियों को महल मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो वहां पर रहेंगे, अल्लाह पाक फरमाता है यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून। जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? रहना है जन्नत में इंशाल्लाह। जन्नत के अंदर जब इस तरह से जन्नती तख्तों पर मसनत नशी होंगे, तो उस वक्त हम उम्र हमेशा रहने वाली उम्र के लड़के उनके आसपास गर्दिश करेंगे। जब गिलास लिए हुए बारी का लोटे लिए हुए होंगे, प्याले गिलास और जग उनके साथ होंगे। शानदार शराब तहूर वो लिए हुए होंगे, वो जन्नती शराब कि जिसकी सिफत खुदा ने बयान फरमाई, ला युसद्दकूना अनहा वला युनसिफून। न वहां पर वो शराब तहूर पीकर न बहकेंगे, न आवाज पाख्ता होंगे, न उनके सर में दर्द होगा, बल्कि वो तो शराब तहूर ऐसी होगी जो इंसान को मस्त कर देगी। ये दुनियावी शराब है, ये बदमस्त करती है, औखा कर देती है। वहां हवास मुत्तल नहीं होंगे, जायका वही होगा जो जन्नती पहचान लेंगे। जन्नतियों को मालूम होगा उसका जायका भी बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक जल्ला मट्टू फरमाता है वफाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून। मनपसंद मेवे उन्हें मिलेंगे, तरह तरह के मेवे मिलेंगे। मनपसंद जो दिल चाहेगा वो मेवे वहां पर मिलेंगे, फल फ्रूट वहां पर मिलेंगे। लहम तैर मिम्मा यश्तहून। ये सुनियो, ये कुरान है, कुरान जिस पर हमारा ईमान है। अल्लाह पाक फरमाता है परिंदों का गोश्त मिलेगा, गोश्त मिलेगा, और वो पर जैसे चाहेंगे आप तीतर बटेर या जो भी आपको पसंद होगा वहां आप गोश्त खाना चाहेंगे तो आपको सेवा करके पकाने खाने की वहां जरूरत नहीं है। वहां तो जब इरादा करेंगे अल्लाह की तरफ से उसके हुक्म से वो परिंदा उड़ता हुआ आएगा, आपके पास आ जाएगा। भुना भुनाया जन्नती गोश्त हमें तैर मिलेगा, परिंदों का गोश्त मिलेगा, और आएगा वो परिंदा तुम्हारे पास खुद ब खुद उड़ता हुआ, और आप उसमें से नोच नोच के जितना चाहे खाए। और उसके बाद जब आप फारिग होंगे तो वो परिंदा वैसा ही जैसा आया था वापस चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है जन्नतियों की, जब इस तरह की नेमतें जन्नती जन्नत में पाएंगे तो उस वक्त उनको क्या
क्या याद आएगा कि जन्नत भी मुस्तफा की वजह से मिली है और जन्नत की नेमतें भी हुजूर ही कर सकता है। आला हजरत फरमाते हैं ला बरबिल हर्ष जिसको जो मिला उनसे जो मिला उनसे मिला उठती है कौन में नेमत रसूल अल्लाह की। और जन्नत दिलवाने के भी मुस्तफा फरमाते हैं फरमाते सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं ही खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा हुजूर ही के सदके में जन्नतियों को जन्नत मिलेगी। तो जब जन्नत मिलेगी हुजूर के सदके में, नेमतें मिलेंगी हुजूर के सदके में, ये मेरे अजीजों तो अहले जन्नत हुजूर पे सलाम भेजेंगे। जो जन्नत वाले अहले जन्नत जो जन्नत में सलाम भेजेंगे वही सलाम दुनिया में अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के लिए अहले जन्नत का काम है जो हम अहले सुन्नत कर रहे हैं। हुजूर पर सलाम इसलिए भेजेंगे आका ये सारी नेमतें आप ही के सदके में मिली है। इसीलिए आला हजरत नाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते जन्नत में जाना चाहो तो उनके दस्त निगर रहो मुस्तगनी मत होना। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, बेशक वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो बोलो, वहाबी दूर हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, बोलिए हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत में जो काम होगा हम यहाँ भी कर रहे हैं, अपने नबी पे सलातो सलाम पेश करके गुलामी का सबूत दे रहे हैं। अल्लाह पाक इस पर हमें कायम रखे और सलातो सलाम पढ़ते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।